ईश्वर की रचना भी निराली है। दिल्ली निवासी इस युवक को उसके माता पिता ने नाम दिया है शहंशाह, पर 2 वर्ष की उम्र में ही पोलियो ने उसे चलने फिरने से भी मोहताज कर दिया। इस लाचारी में भी शहंशाह ने हिम्मत नहीं हारी और 10वीं तक पढ़ाई की। आज मैं सबको ओलंपिक खेल के बारे में बताऊंगा। सर, हमारे देश में ओलंपिक खेल कब होंगे? शहंशाह, इधर आओ। तुम ओलंपिक खेल के बारे में जानकर क्या करोगे? अपने पर नजर डाली है कभी? सही ढंग से खड़ा होना तो सीख लो पहले, उसके बाद में ओलंपिक खेल के बारे में जानने की कोशिश करना। आप ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आप एक शिक्षक हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अगर लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज आप जिस बालक पर हंस रहे हैं उसे एक दिन ओलंपिक में जीतते हुए भी देखोगे। हेडमास्टर जी की बातें कोई कल्पना नहीं थी, उन्होंने जो कहा था अनुभव के आधार पर ही कहा था। उन्होंने शहंशाह जैसे बच्चों को नारायण सेवा संस्थान में बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर चलते देखा था। वो उसी समय शहंशाह को नारायण सेवा संस्थान लाने का निर्णय ले लेते हैं। नारायण सेवा संस्थान में शहंशाह का उपचार हुआ और वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा। जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा शहंशाह ही है। हेडमास्टर साहब, आपने तो इसका कायाकल्प ही कर दिया। मैंने क्या किया है? जो भी किया है नारायण सेवा संस्थान ने किया है, इसके हौसलों ने किया है, इसके इरादों ने किया है। अब्बू, अब मैं यहीं पर रहकर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करूंगा और फिर एक दुकान भी डाल लूंगा। अब आप मेरा नहीं, मैं आपका सहारा बनूंगा अब्बू। हौसले बुलंद हो तो फासले मिट ही जाते हैं। अरे शहंशाह, तुम्हारी तो इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है भाई। ओहो, अरे 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 अरे, ये तो पैर सीधे हो गए हमारे शहंशाह के। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई, अब तो ओलंपिक में जाना है, कहा था ना तुमने। शहंशाह ने भी अपने बुलंद इरादों और नारायण सेवा संस्थान के प्रयासों से अपने आप को इस लायक बना लिया कि कल जो उसका मजाक उड़ाया करते थे अब उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया करते हैं।